नोटबंदी मामले में एससी ने क्या फैसला सुनाया? एससी की जज बीवी नगरत्ना कौन है? कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले पर सुनवाई। उन्होंने क्यों जताई असहमति? सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार के 2016 में 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को खारिज करते हुए ये फैसला सुनाया। जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 4.1 के बहुमत से नोटबंदी के पक्ष में फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि आर्थिक फैसलों को बदला नहीं जा सकता है। वहीं जस्टिस नगररत्ना ने कहा कि मैं साथी जजों से सहमत हूं, लेकिन मेरे तर्क अलग हैं। इससे पहले जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 5 दिन की बहस के बाद 7 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुनाने वाली बेंच में जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस एस.एस. बनोप्पा, जस्टिस वीरामा सुब्रमण्यम, जस्टिस बी.वी. नगररत्ना शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने 4.1 के बहुमत से केंद्र सरकार के 2016 में नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने माना कि केंद्र की 8 नवंबर 2016 की अधिसूचना वैध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी से पहले केंद्र और आरबीआई के बीच सलाह मशवरा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि नोटबंदी का फैसला लेते हुए अपनाई गई प्रक्रिया में कोई कमी नहीं थी, इसलिए उस अधिसूचना को रद्द करने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केंद्र सरकार को संविधान और आरबीआई एक्ट ने अधिकार दिए हैं, उसका इस्तेमाल करने से कोई बाधा नहीं कर सकता है। अब तक 2 बार नोटबंदी यानी विमुद्रीकरण के इस अधिकार का इस्तेमाल अब तक हुआ है। ये तीसरा मौका था। रिजर्व बैंक अकेले विमुद्रीकरण का फैसला नहीं कर सकता था। जिस तरह से नोटबंदी की गई उस पर जस्टिस बी.वी. नगररत्ना अलग रही। उन्होंने कहा कि नोटबंदी कानून के माध्यम से होना चाहिए था। जस्टिस नगररत्ना ने कहा, विमुद्रीन नोटबंदी की शुरुआत कानून के विपरीत और गैर कानूनी शक्ति का इस्तेमाल था। इतना ही नहीं, यह अधिनियम और अध्यादेश भी गैर कानूनी थे। इसके चलते भारत के लोगों को कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। हालांकि इसे ध्यान में रखते हुए कि ये फैसला 2016 में हुआ था, ऐसे में इसे बदला नहीं जा सकता है। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में भारी खामियां थी और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया ने इस देश के कानून के शासन का मजाक बना दिया। केवल आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर ही सरकार नोटबंदी कर सकती है, लेकिन यहां प्रक्रिया को ही उलट दिया गया। केंद्र ने फैसला लेने के दौरान अहम दस्तावेजों को रोक दिया, जिसमें सरकार द्वारा आरबीआई को 7 नवंबर को लिखा गया पत्र और आरबीआई बोर्ड की बैठक के मिनट्स भी शामिल थे। केंद्र ने याचिकाओं के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जाली नोटों, बेहिसाब धन और आतंकवाद जैसी गतिविधियों से लड़ने के लिए नोटबंदी एक अहम कदम था। नकली करेंसी को सिस्टम से काफी हद तक बाहर कर दिया है। नोटबंदी से डिजिटल अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचा है। केंद्र से सिफारिश करने के लिए आरबीआई अधिनियम के तहत प्रक्रिया का पालन किया गया। आरबीआई की केंद्रीय बोर्ड की बैठक में निर्धारित कोरम पूरा किया गया, जिसमें सिफारिश करने का फैसला किया गया था। लोगों को कई मौके दिए गए, पैसों को बदलने के लिए बड़े स्तर पर व्यवस्था की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूबी इंडिया न्यूज़।